बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। कैसे आप सब? आई होप आप सब ठीक होंगे। आज हम बना रहे हैं मिक्स सब्ज़ी। आइए चलते हैं रेसिपी की तरफ। मिक्स सब्ज़ी बनाने के लिए हमने जो जो सब्ज़ी ली है वो है गाजर, मटर, आलू, गोभी, शिमला मिर्च। आप लोग को जो सब्ज़ी पसंद है आप लोग इसमें ऐड कर सकते हैं। सारी सब्ज़ियों की कटिंग मैंने कर ली है। सबसे पहले हम सॉस पैन ले लेंगे, उसमें डालेंगे 2 कप पानी। 2 टमाटर मैंने कट कर लिए थे वो डाल देंगे। 6 से 7 गोल लाल मिर्चें डाल देंगे और 1 चिकन क्यूब ले लेंगे। अब हम इसे कुछ देर के लिए ढककर रख देंगे। पानी ड्राई हो चुका है, अब हम इसे ग्राइंड कर लेंगे। पेस्ट हमारा तैयार हो चुका है, अब हम सब्जियों को कर लेते हैं फ्राई। पाँच से 10 मिनट के लिए हमने आलू और गोभी को फ्राई करना है। आलू गोभी फ्राई हो चुकी है, अब हम इसे निकाल लेंगे। इसी ऑयल में हम प्याज को फ्राई कर लेंगे। प्याज का कलर चेंज हो चुका है, अब हम 1 टेबलस्पून अदरक लहसुन डाल के इसे भून लेंगे। अदरक लहसुन भुन चुका है, अब हम इसमें 4 से 5 हरी मिर्चों को कट करके डाल देंगे। अब इसमें टमाटर का जो पेस्ट हमने तैयार किया था वो डाल देंगे और इसे अच्छे से मिक्स कर लेंगे। अब बारी है इसमें मसाले डालने की। 1 टीस्पून ज़ीरा डालेंगे, 1 टेबलस्पून लाल मिर्च पाउडर डालेंगे, 1/2 टीस्पून हल्दी डालेंगे, 2 टीस्पून नमक डालेंगे। हम मसालों को अच्छे से मिक्स कर लेंगे। मसाले अच्छे से मिक्स हो चुके हैं, अब हम इसे थोड़ी देर के लिए ढककर रख देंगे। हाँ जी, 5 से 10 मिनट हो चुके हैं, अब हम मसाले को अच्छे से भून लेंगे। मसाला अच्छे से भून चुका है, अब हम इसमें फ्राई की हुई आलू गोभी डाल देंगे। थोड़ी देर के लिए आलू गोभी को मसाले में भूनेंगे। अब हम इसे 5 से 10 मिनट के लिए ढककर रख देंगे ताकि आलू हमारे हाफ डन हो जाए। हाँ जी, 5 से 10 मिनट हो चुके हैं, अब हम इसमें डाल देते हैं गाजर और मटर। अब हम इसे ढककर रख देंगे ताकि हमारी सब्जियां सॉफ्ट हो जाए। ये सारी सब्जियां गल चुकी हैं, अब हम इसमें डाल देंगे शिमला मिर्च। शिमला मिर्च को अच्छे से मसाले में मिक्स करके अब 2 से 3 मिनट के लिए इसे दम पर रख देंगे। लें जी, मिक्स सब्ज़ी हमारी रेडी हो चुकी है। लास्ट में इसमें 1 टेबलस्पून कसूरी मेथी ऐड करेंगे। अब इसे अच्छे से मिक्स कर लेंगे। चलें जी, अब बारी है मिक्स सब्ज़ी को डिश आउट करने की।
होप आपको आज की रेसिपी पसंद आई होगी। अपना ढेर सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।